इज रिप्रेजेंटिंग विमेन लाइफ जो है, जो कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड लाइफ है, उसको वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करती है द लाइफ ऑफ द टाइगर्स. वो कहती है जो टाइगर्स है ना वो एक ग्रीन वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, दैट इज अ लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है. इंसान की एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है, मैं मर्द और औरत की बात नहीं करूंगी, मैं ओवरऑल ह्यूमन बीइंग की बात करूंगी, कि इंसान ना वो चाहता है कि मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई टोके ना, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, लाइफ जो है वो फुल ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए. और इसी नाम पे हम जो है फेमिनिज्म की बात करते हैं, जिसमें हम फ्रीडम ऑफ वीमन की बात करते हैं, उसकी थॉट्स की बात करते हैं, फिर हम ऐसे जो है सॉन्ग्स आना शुरू हो जाते हैं मार्केट के अंदर, टीवी पे, मीडिया पे, के बोल के लब आजाद है तेरे, और उसके बाद जो है एक आतिफ असलम का भी अक्सर एड्स के अंदर एक जो है स्लोगन चल रहा होता है कि यार जी ले, पता नहीं आगे क्या उसके वर्ड्स हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन अक्सर वो कोई एड है, आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन उसमें वो चल रहा होता है. तो ये जितने भी स्लोगन्स हैं, ये जितने भी हैं, ये क्या शो करते हैं, ये इंसान की फ्रीडम को शो करते हैं, नॉट ओनली मैन बल्कि वीमेन. मैन एंड वीमेन को अगर कंपेयर किया जाए तो यस, इट इज द थिंग कि औरत की जो लाइफ होती है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, औरत को बहुत सोच के जो है अपनी आफ्टर मैरिज जो है वो कदम उठाने पड़ते हैं, बिकॉज उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है. आंट जेनिफर टाइगर्स के अंदर एक विमेन दिखाई गई जो कि जिसकी शादी हो जाती है और वो फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और वो अपनी वो इस हद तक बाउंड है कि वो लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम तो गुजारना चाहती है, लेकिन वो बाउंड हो गई है उस टाइटल ऑफ या लेबल ऑफ विमेन के अंदर कि वो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती. दैट्स वाई जो है वो जो उसके ख्याल में जो भी उसकी ख्याली दुनिया है वो उसको क्रिएट करती है बाय एम्ब्रॉयडरी ऑन सम क्लॉथ, और फिर वो बताती है उसके अंदर कि भाई जब वो उस नीडल के साथ, जब उस वूल के ऊपर वो कुछ निट कर रही होती है, तो वो जो वूल जो देखने में सॉफ्ट होती है, लेकिन उस वूल में से भी उसकी नीडल पास होना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है. इट मीन्स कि जब औरत जो है आफ्टर मैरिज वो कुछ करना चाह रही होती है, तो उसके लिए उसके एम्स, उसके एम्बिशंस को पूरा करना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर इतने ज्यादा हाउस होल्ड टास्क होते हैं कि वो उसके लिए उसकी कम्प्लीशन जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है. दैट इज बेसिकली एन ओप्रेस्ड वाइफ, जिसका शायद हस्बैंड जो है वो बहुत ज्यादा सख्त मिजाज इंसान है, या एक ऐसी सोसाइटी को वो रिप्रेजेंट कर रही है जो कि जिसने उसको जो है अंडर बाउंड्रीज ला के खड़ा कर दिया, और वो अपनी ख्वाहिशात की जो दुनिया है वो खुद क्रिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ द टाइगर्स. टाइगर्स जो है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसकी अपने ख्याली दुनिया को, उसकी अपनी फ्रीडम को, उसकी अपनी विशेस को, उसकी अपनी विल्स को भी शो कर रहे हैं कि व्हाट शी वांट टू डू एंड व्हाट शी इज. ठीक है, देयर इज अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट कि वो होना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है, बनना क्या चाहती है, लेकिन वो है क्या. वो औरत जात है और औरत जात की लिमिटेशंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है. तो दैट इज द थिंग शी इज नाउ ट्राइंग टू जिसे कहना चाहिए कंपेयर एंड कंट्रास्ट, या वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो टाइगर्स के अंदर फाइंड आउट करना चाह रही है. बट एट द एंड उसको ये पता चलता है कि भाई वो नीडल को निट करते करते, टाइगर्स को निट करते करते, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते एट द एंड जो है आंट जेनिफर जो है उसकी डेथ हो जाती है. और लेकिन आंट जेनिफर की डेथ के बाद भी जो है वो जो उसकी फिंगर के ऊपर जो रिंग होती है, या वो वेडिंग बैंड जो होता है जो उसकी शादी का होता है, वो उसकी शादी वो उसकी जो है डेड होने के बाद भी जो है उसके साथ ही रहता है. इट मीन्स कि औरत जो है अगर इमोशनली भी डेड हो जाए, तब भी उसको अपनी शादी के बाद अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग अ मैरिड वीमेन जो है वो निभाना पड़ता है. ठीक है, तो वो जो वेडिंग बैंड होता है वो शादी के बाद भी उसका जो भार होता है, उसका जो वेट होता है, वो उसके हाथ पे तब भी कायम रहता है जब उसकी डेथ हो जाती है. इट मीन्स कि अगर औरत हार मान लेती है, या वो इमोशनली डेड हो जाती है, या उसके एम्स एंड एम्बिशंस जो है पूरे नहीं हो, क्योंकि वो लड़ते लड़ते थक गई, वो अपने एम्स के पीछे भागते भागते थक गई, एम्बिशंस के पीछे भागते भागते थक गई, एंड फाइनली उसको कुछ नहीं मिला,
सो शी इज इमोशनली डेड नाउ. ठीक है, वो हारी हुई एक औरत है, लेकिन वो बेशक हार गई, अब उसके अंदर वो जान नहीं है, शायद अब उसके अंदर वो स्ट्रेंथ भी नहीं है जो कभी जब शादी उसकी हुई थी तब उसकी हुआ करती थी. बट नाउ शी इज इमोशनली डेड. इमोशनली डेड होने के बाद भी जब उसके अंदर एनर्जी थी तो वो टाइगर्स बना रही थी, लेकिन जब अब उसके अंदर एनर्जी भी नहीं है, वो इमोशनली भी डेड हो चुकी है, लेकिन तब भी उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बीइंग अ मैरिड वीमेन, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, वो उसको हर हाल में पूरी करनी है. ऐसे ही है, औरत जितनी मर्जी बीमार हो जाए उसने घर के काम सारे ही घर में आते हैं, और मर्द अगर बीमार हो जाए तो हम कहते नहीं नहीं आप लेट जाए भाई, खैर है कोई बात नहीं. लेकिन जब घर की खातून बीमार होती है तो हार्डली कोई उसका ख्याल रखता है, हर किसी को काम चाहिए होता है. मेरे अब्बू कहते ना, हर किसी काम बेटा जी, हर किसी चम नहीं चाहिए होता, हर किसी काम चाहिदा होता है. तो यानी कि हर किसी को जो है ना काम से मतलब होता है. अगर आप काम करते रहेंगे तो आपकी इज्जत रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी. तो दैट इज द थिंग के इंसान, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ वीमेन लाइफ एंड द मैन लाइफ, के दोनों के अंदर जो है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो वो डिफरेंस जो है उसने थ्रू आंट जेनिफर टाइगर्स एंड ड्रीम रिच ने क्रिएट किया है. यहाँ पे देखिएगा, आंट जेनिफर टाइगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, अगेन अ फेमिनिस्ट पोइट, और क्रिटिकल एवेल्युएट आंट जेनिफर टाइगर्स बाय एंड्रीन रिच, और या आंट जेनिफर टाइगर सॉरी क्रिटिकली एवेल्युएट करना. एंड्रीन रिच पोइट्री स्टैंडर्ड अफेयर इन इंग्लिश एंड वीमेन स्टडीज कोर्स अक्रॉस द कंट्री. शी इज हाईली वैल्यूड टीचर एंड एक्टिविस्ट, बोथ हर पोइट्री एंड स्पीकिंग एंगेजमेंट इनसाइड एक्शन टुवर्ड फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड पर्सनल माइंड्स ऑफ द वीमेन. अब उसकी जो पोइट्री और उसकी स्पीकिंग एंगेजमेंट है वो क्या इनसाइड करती है, वो एक ऐसा एक्शन टुवर्ड फाइंडिंग, वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करती है बिटवीन द पॉलिटिकल और पर्सनल माइंड ऑफ वीमेन, के औरत का पॉलिटिकल और पर्सनल माइंड जो है उसके दरम्यान में क्या एंगेजमेंट है. Andreen Rich is a writer who focuses on feminist poems, expresses her anger. In most of her poems, she likes to focus on female experience. ज़्यादातर वो अपनी जितनी भी उसकी poems हैं उसके अंदर वो आपको female experience के बारे में बताएगी. One of the poems she wrote is Aunt Jennifer's Tiger. It is about a woman whose husband controlled her life almost as if he was her master. और Aunt Jennifer Tiger एक ऐसी औरत की कहानी है जो कि उसका जो हस्बैंड है वो उसकी लाइफ को कंट्रोल करता है, ऑलमोस्ट एज इफ ही वाज हिज मास्टर, जैसे वो उसका मास्टर और एंड शी वाज हिज स्लेव, और वो जो है उसकी शायद गुलाम है. शी डिड व्हाट ही टोल्ड हर टू डू, और वो करती है जो उसका शोहर उसको कहता है, एंड डिड नॉट डू व्हाट ही टोल्ड हर नॉट टू डू. आंट जेनिफर टाइगर ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम हर रियल वर्ल्ड बाय डूइंग थिंग्स हर हस्बैंड डिड नॉट वांटेड हर टू डू. और आंट जेनिफर जो है वो उस रियल वर्ल्ड से भाग जाना चाहती है, एस्केप कर जाना चाहती है, बाय डूइंग थिंग्स हर हस्बैंड डिड नॉट वांट हर टू डू. वो उस दुनिया के अंदर चली जाना चाहती है, वो ऐसी आज़ाद दुनिया के अंदर आज़ाद जिंदगी गुजारना चाहती है जहाँ जो है उसका हस्बैंड जो है यानी कि फुल ऑफ फ्रीडम जिंदगी गुजारना चाहती है, और वो ऐसी जिंदगी में जाना चाहती है जो कि एक्चुअली उसका हस्बैंड नहीं चाहता कि मेरी बीवी इतनी आजाद जिए. एंड्रीन रिच टेल्स द रीडर दैट इवन दो आंट जेनिफर वाज नॉट एबल टू लिव अ फ्री लाइफ, शी स्टिल लेट हर स्पिरिट लिव एंड डू व्हाट शी विश्ड. और बेशक आंट जेनिफर जो है, एंड्रीन रिच जो है वो रीडर को बताती है कि बेशक आंट जेनिफर जो है वो फ्री लाइफ गुजार नहीं सकती, मतलब शी इज नॉट एबल, वो इस काबिल नहीं है कि वो फ्री लाइफ गुजार सके बिकॉज ऑफ हर बाउंड्रीज शैकल्स और ये जो सोसाइटी ने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बाउंड्रीज इम्पोज कर दी हैं, वो उनको तोड़ नहीं सकती, लेकिन शी स्टिल लेट हर स्पिरिट लिव, लेकिन वो फिर भी अपना स्पिरिट उसका जिंदा रहता है, एंड डू व्हाट शी विश शी कुड डू थ्रू हर क्रिएशन. और वो स्टिल जो है अपने स्पिरिट के अंदर लिव करती है एंड डू व्हाट शी विश शी कुड डू हर क्रिएशन. तो वो अपनी क्रिएशंस जो है वो बनाती रहती है. वन ऑफ हर क्रिएशन वाज द टाइगर हु विल गो ऑन, और एक उनमें से उसकी एक क्रिएशन जो है वो टाइगर है जो कि गो ऑन, जो कि चलता रहता है. इंसान के अंदर जो उसके अंदर होता है ना वही बाहर आता है.
ठीक है, अगर तो उसके अंदर इस तरह की फीलिंग्स हैं, जैसी फीलिंग्स हैं वो उसी तरह का रिएक्ट करता है. दैट इज बेसिकली द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, द वर्ल्ड ऑफ द थॉट्स. इंसान की जो सोच है वही हमेशा बाहर आया करती है. ठीक है, और एक जिंदगी जो है वो इंसान की उसके सामने खड़ी हुई होती है, लेकिन उसको फेस उसने खुद करना होता है, चाहे वो अच्छी है या वो बुरी है. बट वी हैव टू फेस दैट डिलेमा और दैट जो भी हमारा ड्रामा ऑफ लाइफ है एंड दिस एंड दैट, हमें इसको फुलफिल करना होता है. दिस ट्रूली इज अ पोएम दैट मेक पीपल अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ देयर फ्रीडम. वीमेन नीडेड टू रियलाइज टू लिव फॉर देमसेल्फ. आ जेनिफर टेरिफाइड हैंड विल नेवर रेस्ट. उसके टेरिफाइड हैंड जो है वो क्यों उसको टेरिफाइड दिखाया, कि वो कभी मतलब वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी कभी ख़त्म होती नहीं है. औरत का औरत की जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे की होती है. क्यों? क्योंकि जब रात को बच्चा भी जागता है तो औरत को साथ जागना पड़ता है. इवन आफ्टर शी इज डेड दे डोंट हैव टू सिट अराउंड एंड डिपेंड ऑन मैन. एंड इन दिस रियली कैप्चर्स आंट जेनिफर पॉइंट ऑफ व्यू एंड हाउ शी फील्स अबाउट हर लाइफ. This will worry her conscience forever. She was terrified to stand up for herself to her husband, and whole time she was married and could not face him. The significance of this is that Aunt Jennifer, although very scared and confident of herself in real life, had a spirit that would meet and beat anything that challenged her pretty then run away from. Aunt Jennifer bishak ek scared ya unconfident of herself in real life, lekin uske andar wo jo tigers nikalte hain aakhir uske andar se hi bahar aate hain na, so it means ki there is something inside her जो कि बीट कर रहा है, या वो जो उसके अंदर एक स्पिरिट है जो कि चैलेंज करता है हर प्रीटी दैट रन अवे फ्रॉम इट, कि वो जो है उसको फेस करे रादर देन कि वो रियल लाइफ से भाग जाए. रिच पोएट्री डिड नॉट नेसेसरली चेंज सोसाइटी इटसेल्फ, बट चेंज अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली वीमेंस व्यू टुवर्ड द वे दे लिव देयर लाइफ एंड एग्जैक्टली हु देयर आर. रिच की जो पोएट्री है शायद वो सोसाइटी को इन इटसेल्फ कभी चेंज नहीं कर सकी, लेकिन उसने औरत का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर चेंज कर दिया द वे देयर दे लिव देयर लाइफ, कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जी सकती हैं, एग्जैक्टली हु दे आर, और उनको मतलब उसने हेल्प आउट किया कि वो अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करें. हियर इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ वीमेन हु आर डोमिनेटेड बाय देयर हस्बैंड एंड हु लिव देयर लाइव्स इन अ स्टेट ऑफ मेंटल कन्फाइनमेंट, जो कि एक मेंटल कन्फाइनमेंट तक जो है महदूद होकर रह जाती हैं. नॉर्मली हम खवातीन जब भी कुछ करने जाती हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक, अब्बू से लेके भाई और हस्बैंड और बच्चे तो खैर नहीं कहते, लेकिन बाकी जो तीन होते हैं वो यही कहते हैं तुमने करना क्या इतना कुछ करके, क्या करना है पढ़ के, क्या करना है इतना कुछ करके, आराम से बैठ जाओ तुमसे नहीं होना. ऐसे ही होता है, अंडर एस्टिमेशन होती है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है औरत को. इवन औरत जब पढ़ने भी लगती है तो बेटी के ऊपर भी खर्च हो जाता है, बहन के ऊपर भी खर्च हो जाता है, लेकिन जब बीवी की बारी आती है तो मुश्किल हो जाता है ना. तो क्या होता है, द रीजन इज दैट कि औरत को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है इन दिस लाइफ. बार बार दैट इज द डिलेमा जो कि देखने में नॉर्मली आ रहा होता है. तो हियर इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ वीमेन हु आर डोमिनेटेड बाय हस्बैंड, ऐसे हस्बैंड जो कि डोमिनेट करते हैं अपनी बीवियों को एंड हु लिव देयर लाइफ इन द स्टेट ऑफ मेंटल कन्फाइनमेंट, उनको कन्फाइन कर दिया जाता है. In the poem Aunt Jennifer Tiger, the poem Andrine Rich expresses the life Aunt Jennifer wishes to lead through artistic creation as she is trapped in the abusive marriage. Aur yahan pe Aunt Jennifer Tiger ke andar wo express karti hai Andrine Rich ek life ko jo ki Aunt Jennifer jo hai wo chahti hai ki wo live kare through artistic creation. Aurat ke paas jab zindagi ke andar kuch nahi reh jata jeene ko, तो बेहतर यही है मेरा ख्याल है कि आर्ट की तरफ आया जाए. आर्ट इज़ द मेन थिंग, मेन कि आप घर के अंदर रह के बहुत कुछ कर रहे होते हैं एट दैट टाइम. एंड शी इज़ ट्रैप्ड इन एन अब्यूजिव मैरिज, क्योंकि वो कहते हैं ना खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है. अगर हम ये काम नहीं करेंगे, आर्टिस्टिक काम नहीं करेंगे, अपने आप को
डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हम इन्हीं बातों में घिर के रह जाते हैं कि आज फलाने ने ये कह दिया था, आज उसने यूं कर दिया था। वो कहते हैं ना जिनके इरादे बुलंद होते हैं ना वो इन छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते हैं। तो अगर इरादे बुलंद होते हैं ना तो बेटा ये जो है इन छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते। और हमेशा जो है बंदूक चलाने से पहले क्या किया जाता है, यू हैव टू पॉइंट द गोली मारने का एम करते हैं ना, हम उस टारगेट को एम करते हैं कि दैट इज द टारगेट। और मुझे यस एम इंग्लिश इज आल्सो एन आर्ट, एम इंग्लिश रियली आल्सो एन आर्ट और लिटरली दैट हैज अ वेरी सूदिंग इफेक्ट ऑन द माइंड। और हमेशा बेटा गोली चलाने से पहले ना निशाना जो है वो बांधा जाता है, गोली चला के निशाना नहीं बांधा जाता, ठीक है। तो पहले अपने एम्स डिफाइन करने कर लें, करना क्या है। जब आपने अपना एम डिफाइन कर लिया ना फिर कान बंद कर लें, ठीक है, और मुंह भी बंद कर लें। ये दो काम कर लें सिर्फ, कान भी बंद और मुंह भी बंद, दिमाग खुला रखना है। सिर्फ आपने ये देखना है कि चीजों को परसीव कैसे करना है और फिर उसके ऊपर एक्ट कैसे करना है। एंड देन जिंदगी में बेटा कामयाब वो इंसान होता है जो बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा होता है एक एक चीज को और बहुत कदम भी फूंक फूंक के रख रहा होता है कि मैंने किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना और मैंने चुप करके अपना काम भी करते रहना। तो बिल्कुल खामोशी के साथ अपना काम होता है, किसी को जवाब देने दे के या फिर रिएक्ट करके, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो मैं इसीलिए स्टूडेंट्स को कह रही होती बेटा घर में बहन से भी अगर लड़ाई हो जाए ना तुमने जवाब नहीं देना, नहीं तो तुम पढ़ नहीं सकोगे। तो जिनके इरादे बुलंद होते हैं ना बेटा ये छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर वो नहीं पड़ते, वो अपने आप भी वो अपनी वैसी साइड वे हो जाते हैं। अच्छा इसने ये कह दिया, लेट देम डू व्हाट दे वांट एंड जस्ट बी क्वाइट एंड डू व्हाट यू वांट, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एंड मतलब आपकी लाइफ का एक पैटर्न होना चाहिए, मैंने ये करना है बस, दैट्स ऑल। उसके लिए आपको ये तो बहुत छोटी बात है ना कि आपको किसी ने कुछ कह दिया, कितना कह देगा। मुझे याद है जब मैंने ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की ना तो मेरा जो सेकंड बैच था ना उसमें किसी ने ना अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की और वो कोई 12 लोग थे, उसमें लड़के भी थे और लड़कियां भी थी, और उन्होंने मुझे इतना तंग किया। आए दिन वो लोग मेरा हैक कर लेते थे, चले आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आप लें जरूर लें लेकिन आप किसी को तंग तो ना करें ना। और मैंने फिर उनको क्या कहा, सिर्फ क्या था कि मेरा एक नाम है एंड दे वांट के इनको किसी तरीके से हम ना वो कर दें, इनका नाम खराब कर दें। आप यकीन करें उन्होंने मेरा अकाउंट हैक करने से लेके क्या क्या नहीं किया, मैं डेली अपना अकाउंट खोलती थी और इनबॉक्स में गालियां भरी हुई होती थी और वो इतनी गंदी गालियां होती थी कि जैसे वो गली मोहल्ले की औरतें नहीं होती। तो उन दिनों मैं अपने स्टूडेंट्स को एनुअल टेस्ट सेशन चल रहा था हमारा, अब मैंने कहा अगर मैं इनमें पढ़ गई ना तो मेरे स्टूडेंट्स का ना जो सारा रिजल्ट है ना खराब हो जाएगा, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। और क्योंकि जाहिर बात है एकेडमी तो वो भी रन कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, लेकिन मुझे ये पता था जो ये कर रहे हैं ना ये अपने स्टूडेंट्स का नुकसान कर देंगे और मैं लगी हुई थी अपने स्टूडेंट्स के पीछे। और माशाल्लाह वही वाला मेरा बैच था जिसने टॉप किया था। तो आफ्टर दैट जब वो मैंने स्टूडेंट्स को स्नैपशॉट्स देखे कि ये गालियां चेक करने लगा तो मेरी एक दो स्टूडेंट्स ने कहा मैम आपको गुस्सा नहीं आता, मैंने कहा नहीं, कहती मैम ये आपने लैंग्वेज चेक की है, मैंने कहा हाँ मैं देख रही हूँ मुझे तो हंसी आ रही है इसको देख के, तो कहती मैम क्यों, मैंने कहा क्योंकि मैं आदी हूँ। तो बेटा इतने ढीठ बन जाए, मैंने कहा बेटा ये तो बहुत थोड़ी है, इससे ज्यादा सुनी हुई है जिंदगी में, बचपन से बहुत कुछ सुना हुआ तो इसलिए मैं तो आदी हूँ, ढीठ बन जाए ना अगर कुछ करना है तो जिसका मुंह है उसको बोलने दे, वो तो अपनी फितरत के मुताबिक बोल रहा है। बट आप अपना टारगेट जो है वो खुद देखें कि ये मेरा टारगेट है, मुझे इसको अचीव करना है और इसको अचीव करने के लिए मुझे इर्द गिर्द में जो बार्किंग डॉग्स है ना उनको जरा साइड में ही रखना पड़ेगा। अगर आप उन बार्किंग डॉग्स को लेके उनको जवाब देने लग जाएंगे या रिएक्ट करने लग जाएंगे, मैंने इसी वजह से रिएक्ट नहीं किया था कि अगर मैं भी रिएक्ट करती तो वो तो इमरान खान और नवाज शरीफ की जंग बन जाती, तो फायदा क्या होता उसका, कुछ भी नहीं, स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाना था। और मेरे पास उस वक्त बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे, मोर देन 50 स्टूडेंट्स, मैं उन 50 लोगों का नुकसान नहीं कर सकती थी अपनी अना के पीछे। तो जब आप अपना टारगेट
वो कर लेते हैं ना कि भाई ये मेरा टारगेट है द सक्सेस ऑफ माय स्टूडेंट, देन लेट देम डू. कितनी देर भोंकेंगे, एक दिन, दो दिन, पांच दिन. वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसके जितने कलीग्स थे उन खातून के, और वो करते करते कितने दिन उसका साथ देंगे फ्रेंड्स इस तरह के कामों में. भाई टाइम लगता बंदे का, हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ. मुझे पता था एक एक करके इसको सारे छोड़ के चले जाएंगे. अल्टीमेटली वही हुआ, अल्टीमेटली वही हुआ. लेकिन उसको ये चीज समझ नहीं आ रही थी. उसने अपना सारा वो जो एक होता है ना ग्रुप्स के अंदर, इवन उसने पब्लिकली मुझे गालियां दी. और दैट इज द थिंग कि आपको पब्लिकली कोई टैग करके आपकी प्रोफाइल के ऊपर इस तरह से कुछ कर रहा होता तो आपको ऑब्वियसली गुस्सा आता. लेकिन मुझे इसलिए नहीं आया कि बीइंग अ टीचर वो अपना इमेज खराब कर, और यही हुआ. उसका बहुत इमेज स्पॉइल हो गया उसके बाद. तो अब शायद जाके उसको समझ आ गई है उस बात की. लेकिन द फर्स्ट इम्प्रेशन जो उसने स्टूडेंट्स पे डाल दिया वो बहुत गलत डाल दिया. और मुझे पता था कि ये गलत कर रही है, ये अपने साथ दुश्मनी कर रही है, मेरे साथ नहीं कर रही. तो दैट इज द थिंग, पहले आप अपना टारगेट डिफाइन करें बेटा. गोली चला के एम नहीं डिफाइन किया जाता. पहले आप अपना एम देखें कि ये मेरा एम है, फिर आप गोली चलाएं ना. तो दैट इज द थिंग, आपकी सक्सेस जो होती है वो यहाँ पे लाइक है. ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, मैम आपने और एम ए इंग्लिश ने मुझे ना डीट बना दी. बट डीट बन जाए नहीं तो कामयाबी नहीं मिलनी. और औरत की लाइफ आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती. तो ये मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत मुश्किल है हमारी लाइफ, बट इम्पॉसिबल नहीं है. तब भी अल्लाह हमारे साथ है. हक के साथ हक हमेशा बेटा जीत जाता है. हर टेपेस्ट्रीज पोर्ट्रे हर इनर फीलिंग कन्वेइंग द कॉन्स्टेंट टेरर शी इज लिविंग इन. The only way of Aunt Jennifer to escape the expectations of her husband is to live on. अपने हस्बैंड से जो उसकी expectations थी उससे उसको जान छुड़ाने के लिए उसको live on करना पड़ा. And we have to live on. और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा. तुम जमाने की बात करते हो, दिल लगाने की बात करते हो. बेटा एक ही चीज को दिल लगी से कभी भी जिंदगी नहीं गुजर जाती. Expectations से कभी भी जिंदगी नहीं गुजर. Come out of this. ये जो हमने औरतों ने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना दी, मुझे फलाने ने ये कह दिया और वो कह दिया और उसने मेरा ये नहीं किया. सो वट अगर कोई मेरा नहीं करता. मैं आपको आज भी यही चीज बताती हूँ बेटा. एट दैट टाइम व्हेन आई गॉट पैरालाइज्ड, मैंने एक दफा अपने हस्बैंड को ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए कुछ भी करें. आई गेट अप ऑन द स्टैंड. मैं उस स्टैंड के ऊपर खड़ी होती थी. मैं अपनी, मेरी बेटी उस वक्त बहुत छोटी थी, ये 2015 की बात. मैं उस स्टैंड के ऊपर खड़ी होती थी. मैंने एक बंदे को घर में ये नहीं कहा कि तुम मेरा ये काम करो, क्योंकि मेरे नबी ने कभी नहीं कहा. बंदे की कोई खुददारी होती है भाई, मैं क्यों किसी को कहूँ. जिसने करना है वो खुद करे. नेवर एवर डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन के भाई आप मेरा ये करें. ना ही मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि आप आके मेरा ख्याल रखें. मेरे अब्बू जरूर आए थे मेरे पास, लिटरली उन्होंने मेरे लिए कुकिंग भी की थी. बट आई नेवर एवर लेट एनीवन काइंडली मुझे जो है खुद से जीने दे, मुझे मेरे कदमों पे खुद खड़ा होने दे. तो बेटा उस वक्त अगर मैं अपने पैरों पे जो है वो ना वजन देती ना, तो लिटरली मैं सारी उम्र के लिए पैरालाइज हो जाती. मैं 40 days बाद खड़ी हो गई थी अपने पैरों पे. ठीक है, बाकी जिंदगी की तकलीफें ये ऐसी चलती रहती हैं, लोगों के एटीट्यूड ऐसे रहते हैं. बट द वे यू वॉन्ट टू लिव, यू हैव टू एम योर लाइफ. And go ahead. Then go ahead. There are many, many things in expecting, accepting के हम लोगों के बारे में सोचते हैं. लोगों को दिमाग से निकालो. Define your aims. ये मेरा aim है. I have to do it. And that's all. Go for it. Just go. ठीक है, तो अपनी life को positively गुजारें, without expectations गुजारें. ये जो है ना, ये जो ये emotional life and this and that, I'm just get rid of it. Just get it. आप लोगों का जरूर भला करें, आप लोगों के साथ इमोशनली डील जरूर करें, बट डोंट एक्सपेक्ट मी. आई नेवर लेट एनीवन कि आज जी आके मेरे साथ तरस खाए. नो, नो वे. क्यों मेरे ऊपर कोई तरस खाए? मैं हूं ना अपनी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हूं ना. अगर मुझे हर दो दिन बाद किसी की मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो बेटा फिर मेरे दिमाग का क्या फायदा हो अगर मैं उसको इस्तेमाल ही नहीं करती. तो द टाइगर्स एंड आंट जेनिफर, जेनिफर्स नीडल वर्क symbolizes her longing for freedom. She is expressing her pain.
थ्रू आर्ट क्रिएटिंग अ पिक्चर ऑफ हाउ शी वुड लाइक हर ओन लाइफ टू बी द टाइगर्स आर नॉट स्केयर्ड ऑफ मैन एज आंट जेनिफर फियर्स हर हस्बैंड दे आर पावरफुल एंड ब्रेव एनिमल शी लिव्ड हर लाइफ डिस्टेंसिंग हरसेल्फ फ्रॉम हर कंट्रोलिंग हर हस्बैंड using her creativity to make an imaginary world showing that she had a vibrant inner life tucked away deep inside her uski ek vibrant inner life thi yani ki insaan ke andar jo uska andar hota na wo usko prick karta rehta hai ki bhai uth ja beta uth ja uth ja uth ja kuch kar le kuch to uth jate hain wo sirf 2 to 3% hote hain aur wo inspiration bante hain logon ki theek hai aur baki sare gir jate hain अब आपने देखना आपने गिरने वालों में से बनना है या उठने वालों में से बनना है बी द पायनियर डोंट बी द फॉलो अजीम इंसान के पीछे दुनिया भागती है अजीम इंसान दुनिया के पीछे नहीं भागते ये क्या बात हुई किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने उसके बदले गाली दी मैंने तो गाली देने वाले को फॉलो कर दिया भाई है कि नहीं है बी द पायनियर खामोश रहना सीखे और फिर देखे कितने लोग आपको फॉलो करते हैं तो Andrean Rich proved the statement throughout the poem, revealing that women are sometimes treated unfairly and with inequality. All these she has been through will remain unforgotten, but escaping through her artwork creates a new chapter in Aunt Jennifer's life. Uska jo art hai, wo uske andar ek nayi life paida karta hai, revealing a sense of faith and accomplishment. That is the sense of the faith and accomplishment जो कि इंसान को उसके पैरों के ऊपर जाके खड़ा कर देता She could not escape this lifestyle because in this life society supported the marriage and these type of gender roles. It is devastating to see a woman's self-identity and worth thrown away from her, leaving her completely miserable. Aunt Jennifer's husband is in fact her honor. The abuse Aunt Jennifer endured was an unspoken topic. So she was forced to continue living a nightmare while creating a fantasy world through her art. She is mastered by him, as he is his prisoner under his control and ruling. वो जो है अपनी she is his prisoner. वो उसकी वो जो है एक husband के under master तो करती थी क्यों? If she is as if she is prisoner, जैसे वो अपने husband के under control और ruling. The tigers display values such as strength and fearlessness that Aunt Jennifer evidently lacks. Her terrified hands show that her husband terrorizes her. The massive weight of Uncle Wedding Band is not actual ring that places this weight upon her, but the life that become as a result of Aunt Jennifer's accepting of the ring. और ये जो massive weight है ना Uncle Wedding Band का, वो actual ring is not actual ring that places that weight upon her, जो कि उसके दिल के ऊपर एक weight रख देता है, उसकी life के ऊपर. But the life जो कि एक result होता है. जबकि वो उस मैरिड लाइफ को एक्सेप्ट कर लेती है व्हेन आंट जेनिफर इज फेस्ड विद दैट शी इज गिवन अ लेगेसी थ्रू हर आर्ट एंड इज फाइनली फ्री इन हर नीडल वर्क द टाइगर्स आर डिस्क्राइब्ड एज प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड एट्रीब्यूट्स दैट आंट जेनिफर डीपली डिजायर इट इज डिफिकल्ट टू डिपिक्ट अ प्राइमरी पोएटिक टेक्निक विद दिस पोएम द रीजन बीइंग दैट मेनी डिवाइसेस आर यूज्ड टू ब्रिंग फॉरथ द मैसेज दैट रिच हैज एम्बेडेड विद इन However, symbolism is the most prominent. The poem is set in a traditional format, using simple rhyme and meter to give the reader a sense of formality. Andrean Rich, Aunt Jennifer's tiger depicts an audacious woman trapped within a timid and suppressed life. एक audacious woman जो है जो कि trap हो जाती है एक timid और suppressed life को. Marriage or culture and the culture that support it have affected the character in the poem greatly. अब ये जो मैरिज और कल्चर है यानी कि उसकी सोसाइटी वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा शुरू में उसके ऊपर काफी इफेक्ट होता है आफ्टर मैरिज खवातीन के ऊपर रियली सीम इनएस्केपेबल बिकॉज़ ऑफ द रिंग दैट सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर हैंड द टेपेस्ट्री दैट आंट जेनिफर इज क्रिएटिंग इन पोएम इज वेरी सिंबॉलिक ऑफ हर पोटेंशियल व्हेन यू पिक्चर अ टाइगर द वर्ड पावर फ्लुइडिटी नोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ मे अकॉम्पनी दैट इमेज दोस सेम वर्ड्स अकॉम्पनी द हिडन लाइफ ऑफ द जेनिफर ठीक है अब ये जो है जो टाइगर है वो एक्चुअली उसकी इनर मोटिवेशन को भी शो करता है उसकी पावर उसकी फ्लडिटी उसकी नोबिलिटी उसकी स्ट्रेंथ को भी शो करता है दैट इज द इनर स्ट्रेंथ और ये हर इंसान के अंदर होती है और यहाँ पे
क्या दिखाया गया वो इनर स्ट्रेंथ दिखाई गई है थ्रू द फर्स्ट एंड द ओपन द पोएम विद ट्रूली बोल्ड इमेज ऑफ दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी द टाइगर ऑब्वियसली हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक पर्पस इन दिस पोएम दे पोर्ट्रे द फियरलेसनेस एक्सर्शन एंड पावर दैट आंट जेनिफर डिस्प्लेसेस इन ऑर्डर टू लेट हर कन्वेंशन लाइन ठीक है वो जो है अपनी डिस्प्ले करती है पोएम जो है अपनी कन्वेंशनल लाइफ यानी कि अपनी ट्रेडिशनल लाइफ को वो पोर्ट्रे करती है तो ये जनाब आपके बोल्ड इमेजेस विद योर क्रिटिकल एप्रिसिएशन आज का जो आपका टास्क है आप लोगों ने आंट जेनिफर टाइगर की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखी ठीक है और इसके अंदर आप पॉइंट्स ऐड करें कि वो किस तरीके से जो टाइगर्स हैं वो उसकी इनर स्ट्रेंथ को शो करते हैं ठीक है आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ इनर स्ट्रेंथ होती क्या है वॉट इज द सबकॉन्शियसनेस दैट इज बेसिकली डीप इनसाइड यू और आपको खुद पता नहीं होता इसलिए उसको सबकॉन्शियस कहते हैं क्योंकि वो छुपा हुआ होता है वो इंसान को अक्सर खुद नहीं पता होता एक सांप है ना सांप उसके जो स्प्रिंग्स होते हैं उसके जो स्पाइरल्स होते हैं जब कभी उसको सांप को देखा है वो दरख्त के गिर लिपटा हुआ होता सांप जो है ना उसको खुद पता नहीं होता उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है जिस दिन उसको पता चलता है ना उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो एक इंसान के गिर लिपटता और उसको मार देता किल कर देता इसी तरीके से हमारे अंदर भी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं लेकिन हमें खुद पता नहीं होता क्योंकि हमें अपने आप का पता नहीं होता इसलिए हम जी भी नहीं पाते ठीक है जो डर गया वो मरा तो नहीं लेकिन वो जी भी ना सकता तो लाइफ बेसिकली बेटा दैट इज बेसिकली यू हैव टू लिव इन इट और आप और मैं ये नहीं कहती अपने पैशंस के इस हद तक गुलाम हो जाएं कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी नुकसान करें और अपना भी नुकसान करें बीइंग अ वीमन मैंने आपको कहा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मर्दों से कहीं ज्यादा है हमारा एक अमल जो है हमारी नस्लें बर्बाद कर सकता है और हमारा एक अमल जो है वो हमारी फैमिली को एक सूद में रख सकता है एक काम में रख सकता है एक पीस में रख सकता है ठीक है मर्द है ना बेटा उसकी एक महीने की जो कमाई होती है ना महीने के एंड पे खत्म हो जाती लेकिन औरत का एक एक अमल उसका साया बहुत लंबा होता है अपनी जिंदगी में जो भी एम्स एंड एम्बिशन जरूर होंगे आपके आपके पैशन जरूर होंगे आई एम अगेंस्ट दिस फेमिनिज्म कि सिर्फ औरत की फ्रीडम की बात की जाती है और उसके पैशन और उसके एम्स को कभी डिफाइन ही नहीं किया गया बस उसमें ये दिखाया गया जी औरत बस मर्द से आजाद हो जाए किसी टाइम दैट इज द रॉन्ग थिंग मैं ये कहती हूँ कि बेटा अपने पैशन के गुलाम मत बनिएगा कभी गेट गेट के लोगों का नुकसान करना है क्योंकि मैंने कहा कि मर्द की कमाई महीने में खत्म हो जाती है औरत की जो कमाई होती है वो नस्लों पे डिपेंड करती है आपकी नस्लें वो भुगतती हैं जो औरत करती है इसलिए देख के अपने पैशंस को अगर आपके बहुत ही कोई पैशंस हैं उनको बेटा देख के उन पे अमल कीजिएगा और ये सोच लीजिएगा कि कहीं मेरा पैशन मुझे ही ना गले पड़ जाए हर चीज का एक वक्त होता है और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस देखिए मैंने आफ्टर 14 इयर्स अपना करियर स्टार्ट किया आफ्टर मैरिज ठीक है तो हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपना लर्निंग प्रोसेस जारी रखें ये आपको कॉन्फिडेंस देगा लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ आए कि आपको लगे कि इससे मेरे बच्चों के हक में कमी आ रही है या मेरे हस्बैंड के हक में कमी आ रही है तो वो छोड़ दीजिए आपकी लाइफ में देखिएगा कितना सुकून आता है तो दैट इज़ द थिंग ठीक है और हमारा सबसे बड़ा जो औरत के साथ और मर्द के साथ भी इंसान के साथ सबसे बड़ी जो फाइट होती है ना वो जहाद बिन नफ्स होता है आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स को डेली बेसिस पे किल करना बेटा नहीं तो आगे नहीं जा सकेंगे रिमूव करते हैं ऐसे लोगों को जैसे मोबाइल में सारा कचरा जो है डेली का हम डिलीट करते हैं ना वायरसेस डिलीट होते हैं एक्स्ट्रा मेमोरी डिलीट होती है वो देखे ना मेरा टैबलेट काम ही नहीं करता अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा मेमोरी आ जाए इसी तरह हमारे दिमाग में जब कुछ एक्स्ट्रा थॉट्स आ जाती है ना हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है तो बेटा आपने उस डेली मेमोरी को अपनी बूस्ट करना है आपने उसके वायरसेस क्लीन करने हैं अगर तो वाकई आपने जिंदगी में कुछ करना है और लोगों के लिए पायनियर्स बनना है ठीक है और मेहनत के बगैर बेटा कुछ भी नहीं होता अल कासिबू हबीबुल्ला के अल्लाह ताला मेहनत करने वालों का दोस्त तो ये चीजें बेटा याद रखिएगा और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है सब्र करने वाले जिसके साथ अल्लाह है ना वो कभी गिर नहीं सकता कभी भी नहीं गिर सकता उसकी सपोर्ट ही अल्लाह हमें किसी को जवाब देने की जरूरत क्या है जब मेरी सपोर्ट ही अल्लाह कर रहा है आप खुद सोचें ना मेरी तो सपोर्ट ही अल्लाह
मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत क्या, अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे जवाब देने हैं ना, मुझे तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़नी, और दिए भी हैं अल्लाह ने। तो अल्लाह ऐसे बंदों को बेटा अरूज देता है उन लोगों पे जो उसको गिराने की कोशिश करते हैं, जिनका ईमान बहुत बुलंद होता है, जिनके एम्स बहुत हाई होते हैं, जिनके एम्बिशंस बहुत हाई होते हैं। अगर आप हर थोड़े दिनों बाद गिर जाते हैं, मैं आपको सही बताऊं, जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ना जो बहुत हाई स्कोर करते हैं, वो होते हैं जो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। ऐसी लड़कियां जिनको थोड़े थोड़े दिनों बाद अपने हस्बैंड की मोटिवेशन की, अपनी सास की मोटिवेशन की, अपने अबू की मोटिवेशन की, कभी मैम आसमा की मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना, यकीन करें एम ए इंग्लिश में क्या वो वैसे भी जिंदगी में हार जाएंगे। मैं आपको सही बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने करना कुछ नहीं होता। कभी वो किसी को फोन करेंगी, उनको बताएंगे यार आज पढ़ा ही नहीं जा रहा, क्या करें, मैम को इनबॉक्स किया जा रहा, मैम थोड़ा सा मोटिवेट कर दें। मैं कितना मोटिवेट करूँ, खुद सोचे ना, हर बंदे के पास तो इतना टाइम नहीं होता। मेरे पास इतना टाइम होता मैं लगा देती हूँ। तो एक इंसान कब तक आपको मोटिवेट, ऐसी खवातीन से फिर आहिस्ता आहिस्ता मियाँ भी तंग आ जाता है। शुरू शुरू में तो वो बड़ा अपनी बेगम को कर रहे होते, देखो मैं कितना अच्छा मियाँ हूँ, ठीक है महीना एक करेगा, दो महीना करेगा, तीसरे महीने कहेगा जाओ भाई बीवी मेरे सर से उतरो, क्या तुमने मजाक बनाया। तो बेटा इतना भी किसी को इरिटेट ना करे ना कि अपने ही तंग आ जाए, ठीक हो गया ना। तो जिनको जरा जरा सी बातों पे औरों की जरूरत पड़ जाती है ना बेटा, वो नहीं आगे चल सकता। आगे वो इंसान चलता है जिसको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पक्का यकीन होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। अगर हर थोड़े दिनों बाद मेरी जरूरत पड़ जाती है, हस्बैंड की पड़ जाती है, सास की पड़ जाती है, इर्द गिर्द के लोगों की पड़ जाती है, देन यू कैन नेवर एवर डू एनीथिंग। ठीक है, जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो घर के झाड़ू पोछे करके भी, इकरा उस्मान को देख लो, वो घर का सारा काम खुद करती थी, झाड़ू पोछा मशीन लगा रही है, कंबाइंड फैमिली, सास ससुर वाली फैमिली, बट शी वॉज डूइंग। ठीक है, तो आपने भी करना है। चलिए जनाब दुआ पढ़ लेते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।